नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टिक बाई एसपी में। 70 लाख बहनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नहीं हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, देश की आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता जीविका रसोईया, इनसे जुड़ी जो भी खबर आएगी सबसे पहले आप सभी कर्मचारियों को देखने और सुनने को मिलेगा। आप सभी कर्मचारियों को मैं बता देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा आप सभी आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के हित में निरंतर प्रयास जारी है कि सभी कर्मचारियों को एक सम्मानजनक मानदेय देने का, क्योंकि हर राज्य की आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता जीविका रसोईया ये सब आंदोलन पे आंदोलन किए जा रही हैं, धरना प्रदर्शन दे रही हैं। हर जगह इनकी एक ही मांग है कि समान काम का समान मानदेय दिया जाए। तो फाइनली केंद्र सरकार की तरफ से एक नई योजना बनाई गई है, जिस योजना के अंतर्गत आप सभी आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता जीविका रसोईया इन सभी कर्मचारियों के मानदेय में बम्पर वृद्धि का लाभ होने वाला है। बता दो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर खुलासा करते हुए कहा गया है कि आप सभी आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को अब 2 गुनी मानदेय दी जाएगी। यानी जो आप लोगों का मानदेय मिलता था उसका 2 गुना मानदेय आप सभी कर्मचारियों को देखने को मिलेगा और इस बढ़े हुए मानदेय का लाभ आप सभी आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को दिवाली तक देखने को मिल जाएगा। अब इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है कि आप सभी कर्मचारियों के मानदेय बढ़ोतरी में कोई बाधा आए, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि आप सभी कर्मचारियों का मानदेय दिवाली तक बढ़ा दिया जाएगा और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से दिवाली पर आप सभी कर्मचारियों को दिवाली का बोनस दिया जाएगा, जो कि बोनस की राशि होने वाली है 5,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक की बोनस राशि। साथ ही साथ आप सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा एक मुश्त प्रोत्साहन राशि, जिसे बोला जाएगा कि 1 साल में आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अपने कामों को अगर आप अच्छे ढंग से करते हैं तो आपको भी वह प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। प्रोत्साहन राशि है 10,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक का दिया जाएगा 1 साल में। तो आप लोग अपने काम को तन मन धन से करिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाइए और दिवाली तक सभी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।